नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। थाना नवाबगंज पुलिस ने अवैध अस्त्रों के निर्माण व बिक्री करने में संलिप्त एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी। थाना नवाबगंज पुलिस रात्रि गश्त वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी व क्षेत्र भ्रमण में रवाना थी कि मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि असलाह तस्करी व निर्माण में संलिप्त कुछ लोग अवैध शस्त्र बनाने का कार्य सरयू नदी के पास रामलोचन के मड़हा के पीछे गन्ने के खेत में ग्राम तुलसीपुर माझा में कर रहे हैं तथा अवैध शस्त्रों को पैसा लेकर बेचने का कार्य भी करते हैं। मुखबिर की सूचना व निशानदेही पर थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा दबिश देकर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर मौके से भारी मात्रा में अवैध असलहे व असलहे बनाने का उपकरण बरामद किया गया। गोंडा से राहुल तिवारी की रिपोर्ट। सर, इसमें से कुछ तो पकड़े गए, क्या मामला? सर, थाना नवाबगंज पुलिस ने एक अत्यंत सराहनीय कार्य करते हुए अवैध असलहे फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें जो असलहा बना रहा था विजेंद्र पाल सिंह, जो जनपद शाहजहांपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया। साथ ही साथ काफ़ी संख्या में बने हुए और अधबने असलहे एवं असलहे तैयार करने के लिए प्रयुक्त अन्य उपकरण जो है वो बरामद किए गए हैं। इसमें चार अभियुक्त फरार हुए हैं, जिसका मेन सरगना जो है वो धनेश यादव है, जनपद अयोध्या का रहने वाला है। वही इस अभियुक्त को लगभग चार वर्ष पूर्व शाहजहांपुर से यहाँ लाया था और यहाँ पर ये नदी किनारे गन्ने के खेत में अवैध असलहे बनाने का कार्य कर रहा था। जो गिरफ्तार अभियुक्त है, पूर्व में भी जनपद शाहजहांपुर से अवैध शस्त्र बनाने के मामले में जेल जा चुका है। जल्दी हम शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी करेंगे। साथ ही साथ अवैध असलहे कहाँ कहाँ सप्लाई हुए हैं, इसके बारे में हम लोग छानबीन करके तमाम असलहे बरामद करना और जो भी अभियुक्त इसमें अदर इन्वॉल्व हैं इस कार्य में, उनको भी हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तार करेंगे।